सो ही गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियोस और डार्क डेविल इज हियर। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वॉरजोन मोबाइल के कुछ नए रूमर्स आए हैं तो मैं आपको शेयर करने वाला हूं और एंड में आपको इसकी रिलीज डेट भी बताऊंगा। सो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हमको 1K करने हैं चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और तुम्हारे भाई के 1K सब्सक्राइबर्स करा दो वीडियो। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हम लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो माई ऑल अपडेट्स। और मैं आपको यहाँ पे DM की रिप्लाई भी देता रहता हूँ, तो प्लीज़ यार जाकर फॉलो जरूर से कर लेना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मैंने ग्रुप पूरा पब्लिक कर रखा है, आप जाके कुछ भी मैसेज कर सकते हो, मुझे नए वीडियो के ऊपर आइडिया शेयर कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर से दूंगा। और गाइस फेसबुक भी पेज बना रखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके जरूर से मैं वहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं भी ऐसे इंटरेस्टिंग सी वीडियोस बनाता रहता हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इन द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं र्यूमर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले आपको वार्निंग दे रहा हूँ, र्यूमर्स काफ़ी हद तक पॉसिबल होते हैं और काफ़ी हद तक नहीं होते हैं, सिर्फ र्यूमर्स ही रहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूमर ये निकल के आ रहा है कि दे है नो बॉट इन COD वॉरजोन, यानी कि जो हम COD वॉरजोन खेलेंगे उसके अंदर एक भी बॉट देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि हमको पबजी के अंदर बहुत सारे बॉट देखने के लिए मिलते थे, वैसे ही वॉरजोन मोबाइल के अंदर बॉट हमको एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, सारे रियल प्लेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, कॉम्पिटिव लेवल बहुत ज़्यादा होने वाला है वॉरजोन मोबाइल का। लेकिन जब आप इसको स्टार्टिंग में खेलोगे तब तो बॉट आएंगे, ताकि आपको थोड़े से प्रैक्टिस हो जाए, तो स्टार्टिंग में बॉट आएंगे, लेकिन उसके बाद कभी भी आपको बॉट नहीं देखने के लिए मिलेंगे इनके अंदर। तो ये था पहला रूमर। ठीक है, और दूसरा जो र्यूमर निकल कर आ रहा है वो ये है कि कंट्रोल 80-90% सिमिलर टू COD मोबाइल, यानी कि COD मोबाइल जो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल उसके जो कंट्रोल्स है वो 80-90% वॉरजोन के सिमिलर ही रहने वाले हैं, बस थोड़े से चेंजेस उसके अंदर होने वाले हैं। ठीक है, और गाइस अब हम इसके थर्ड र्यूमर की बात कर लेते हैं। तो गाइज इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं, तो इसकी साइज़ होने वाली अप टू 5GB, 5GB तक की इसकी साइज़ होने वाली है। प्ले स्टोर के ऊपर 3.5GB यानी 3.50GB तो इसकी प्ले स्टोर के ऊपर साइज़ होगी, और जो बची हुई साइज़ है वो इसके इंटरनल गेम डाउनलोडिंग्स पे होने वाले, मतलब टोटल मिला के 5GB तक का गेम जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि PC और कंसोल्स के अंदर इसकी साइज़ है 70-80GB, तो इसके ग्राफिक्स और बाकी चीप हटा के इसको मिनिमाइज़ करके 5GB तक लाया जाएगा और ये हमारे मोबाइल प्लेटफॉर्म के अंदर आएगा। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से बताओ तो आपके फ़ोन के अंदर 4GB और 64GB रैम तो होना ही चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से, और अगर आप इसको स्मूथ लर्न करना चाहते हो तो आपके इसके अंदर फ़ोन के अंदर 120 MHz के होने चाहिए फ़ोन के अंदर। सो गाइस आपको नहीं पता है 1 MHz क्या होते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। तो मेगा हर्ट्स वो होते हैं जैसे कि आपके फ़ोन की जो स्पीड होती है ना उसके हिसाब से होता है, कुछ जैसे कि फ़ोन्स के अंदर 90 Hz भी होता है, 120 Hz होता है, और 120 Hz वाले जो फ़ोन होते हैं ना वो एकदम फास्ट चलते हैं, एकदम स्मूथ चलते हैं, तो इनको कहते हैं मेगा हर्ट्स। ठीक है, और मेरे फ़ोन के अंदर 90 Hz है, मेरे पास रियलमी X, और आप भी गूगल पर जाकर चेक कर सकते हो आपके फ़ोन के कितने हर्ट्स हैं। ठीक है, तो 120 Hz पर आप इसको स्मूथ चला सकते हो, उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है 4GB एंड 64GB रैम। ठीक है, क्योंकि भाई 5GB तक का होने वाला है तो कुछ तो रिक्वायरमेंट मांगेगा ना ये। ठीक है, तो बाकी भी आपके फ़ोन के अंदर चल सकता है, मैं सिर्फ मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस ये तो थे र्यूमर्स, और आप बात कर लेते हैं इसकी रिलीज डेट के बारे में, जिसके बारे में आप सब कुछ बैठे हो। ठीक है, तो इसका जो बीटा वर्जन है, तो मेरे हिसाब से बताऊँ तो बीटा वर्जन इसका 2021 की फाइनल क्वार्टर यानी कि नवंबर टू दिसंबर के महीने में के अंदर आपको इसका बीटा वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा, और आप होप लगाकर बैठे हो कि इसका ग्लोबल वर्जन हमको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा, तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा ना भाई, इसलिए आपको जो इसका बीटा वर्जन है वो आपको इस साल देखने के लिए मिल सकता है फाइनल क्वार्टर के अंदर। और इसका जो ग्लोबल वर्जन है मैं भी बता रहा हूँ, जो 2022 का स्टार्टिंग क्वार्टर होगा ना, जनवरी फरवरी का या फिर मार्च तक का, तो तब तक आपको इसका ग्लोबल वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा, मैं मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके आसपास ही डेट रहने वाली है। ठीक है भाई, इतना प्रेडिक्शन तो मैं कर सकता हूँ, मतलब पूरा जानकारी निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस होप करता हूँ आपको ये सब वीडियोस मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आप एकदम अपडेटेड हो चुके होंगे, तो प्लीज़ यार इसी बात पे एक लाइक कर दो मेरे भाई को, और भाई से अभी तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप
प्लीज़ यार भाई हमको 1K करने हैं चैनल के ऊपर मेरे को, बिकॉज 3 ईयर्स हो चुके हैं यूट्यूब के अंदर वीडियोस बनाते हुए और मेरे अभी तक 1K नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो तुम्हारे भाई को यार, क्योंकि भाई हमको भी 1K करने हैं, आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आप नए बंदे हो तो भाई ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। और आपको ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको जो टॉपिक अच्छा लगे आप वो देख सकते हो। और कई सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूर से फॉलो कर लेना। और हमारा सेकेंड चैनल भी है जो मैं बता दूंगा आपको फ्यूचर में, ठीक है, जब उस पर 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आपको रिवील कर दूंगा उस चैनल को भी, जो गेमिंग चैनल है, ठीक है, और उस पर 100 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो जैसे होंगे मैं आपको उसको रिवील कर दूंगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो तब तक इस चैनल में 1K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगले कौन से वीडियो के ऊपर मेरे को टॉपिक शेयर कर दो भाई मुझे टेलीग्राम पे, आप कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप टेलीग्राम पे मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा, यानी मतलब कि अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई भी बताओगे आइडियाज़ तो शायद तक यूट्यूब उनको ब्लॉक कर दे, क्योंकि आप मुझे ऐसे वैसे आइडियाज़ दोगे, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मुझे टेलीग्राम पे ही सजेस्ट करना, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगा और आपके सारे रिप्लाईज भी आ जाएंगे, ठीक है। सो गाइस बहुत बकचोदी हुई आज, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, सो मीट द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।